अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमेशा बच्चा समझ के माफ कर देता हूँ, ये तो मेरा बेटा कहलाने के लायक है। बच्चा जैसे भी हो जिसमें भी जाए, पर इस नकचड़े जैसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है तू? क्या गलत कहा मैंने? जोर मत रुकिया, वेटर बियर। ईशान तुम यहां क्या कर रहे हो? ईशान क्या हुआ? सर तुम पहले बैठो। ईशान व्हाट हैपेंड टेल मी। मैंने उस बारे में बात ही नहीं करी। और ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? वेटर बियर। घर पे किसी को पता है? तुझे पता है? मेरा घर ही नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अच्छा किसी से झगड़ा हो गया? सबने झूठ बोला है, मेरे पापा ने। मेरे पापा नहीं है, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। ना ही मेरी मम्मी है, सबने झूठ बोला है। ईशान तुम क्या कह रहे हो? आर यू हाई? मैंने सब सुना है अपनी माँ के मुंह से, घर में सबको पता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। भाई भाभी दीदी सबको पता था कि मेरी मम्मी की दूसरी शादी हो रखी है, और मैं कौन हूँ? मैं बेटा किसको? मेरा बाप कौन है? आज तक छुपा के रखा। बेटर बियर। ईशान तो ठीक है ना, ये बात तुम्हें आज पता चली, वरना आज तक किसी ने भी तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाया ना कि तुम उनके सगे भाई या सगे बेटे नहीं हो। हाँ जस्ट इमेजिन, तुम्हें सगे बेटे की तरह रखा उन्होंने। They all love you, यार, and I have seen it. And पापा, वो तो superb है। उनसे जब से मैं मिली हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि डैड होना तो ऐसे ही हो। He's so chilled out, यार। नहीं रितिका नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बात बात पे डांटते हैं, बात बात पे टोकते हैं, मेरी म्यूजिक से छेड़े, मेरे काम से छेड़े। और उस दिन भाभी अनजाने में स्लिप हो गई, सबके सामने इंसल्ट कर दी जैसे मैं कुछ हुई नहीं, मुझे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। वेटर कल आएगा क्या? ये अल्लाह। अरे क्या है भाई साहब, आपके अलावा भी लोग हैं इधर। क्या भिखारी दिखता हूँ तुझे, भीख मांग रहा हूँ तुझसे, समझा क्या मुझे? हाँ तुम जैसे लोग इधर आकर ये सब। मुझ जैसे लोग मतलब क्या तेरा? है तेरा मतलब क्या है? मेरे जैसे लोग कैसे होते हैं? दो टकेगा वेटर आने कैसे घर से आते हैं? कैसे घर से आते? ईशान जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ। ईशान कहाँ है? नहीं आया क्या? नहीं आना चाहता? अरे कहाँ है? मैं उसको लेकर आता हूँ यार, नाराजी तो है, मैं अपने बच्चे को गले लगा दूंगा। है कहाँ वो? पापा ईशान नहीं मिला। हाँ पापा जी, हमने उसे फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा। सबसे पूछ लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन वो अरे क्या खाक देख लिया, ऐसे थोड़ी गायब हो गया वो। तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं, मैं लेकर आता हूँ। पापा ईशान, मैं हर जगह ईशान को देख लिया, वो नहीं मिला। पापा तो ये पूछने आए थे कि अगर पुलिस स्टेशन में जाकर हम उसके। पुलिस स्टेशन? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे रितिका का फोन है। अरे लो, रितिका को तो हम टेंशन में भूल ही गए थे। रितिका क्या ईशान तुम्हारे पास है? हाँ श्रद्धा दीदी, यहाँ ईशान, आई मीन आप लोग जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन जी, ईशान को अरेस्ट कर लिया है। मैं अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, आप लोग जल्दी से जल्दी लाजपत नगर पुलिस स्टेशन पहुंचिए। ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ? क्या बोल रही है? उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस कहा है पुलिस स्टेशन आने। पुलिस स्टेशन लाजपत नगर, आप लोग जल्दी से जाइए। चल गाड़ी निकाल। क्या ईशान जेल में? वही तो, ईशान बहुत गुस्से में घर छोड़ के गया। अरे उसे पता ही नहीं था कि वो पापा जी का बेटा नहीं है।
और मम्मी जी तो बहुत परेशान है उसके लिए। मुझे तो डर है, पता नहीं ईशान घर वापस आएगा भी कि नहीं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जैसे को तैसा। हाय हाय, करम ही तो ऐसे किए थे ना मेजर साहब ने, तो उनके साथ ऐसा ही होना था। अब उन्हें पता चलेगा कि बेटे से दूर होने का दर्द क्या होता है। तो आप खुश हो रहे हैं? अरे आपने भी तो अपना बेटा खोया है ना। सॉरी सॉरी, आपने अपना बेटा खोया कहाँ, आपने तो उसे खुद घर से निकाल दिया, क्योंकि आपको तो चाहिए ही नहीं था अपना बेटा। पर यहाँ ईशान अपना ना होने के बावजूद भी ना सब भाग के गए उसे लाने के लिए। Never mind जया, आज तो पहली बार तू उन लोगों की तरफदारी कर रही है, क्या बात है? आज मुझे पहली बार पापा जी को ईशान के लिए तड़पता देखकर लगा जैसे मेरे अपने पापा मेरे लिए रो रहे हैं। वो भी मेरी विदाई पे ना ऐसे ही रोए थे मेरे लिए। Never mind ना, अब तू अपना राग अलाप, मुझे बहुत काम है। लड़की भी ना, ऐसे बहुत अच्छा हुआ ईशान चला गया। ये कर्नल साहब, इस पर साइन कर दीजिए। कमाल है, एक आर्मी ऑफिसर का बेटा होकर शराब पीकर दंगा कर रहा। वो तो लोगों ने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना वेटर के सर पे बोतल फोड़ देता। समझाओ इसको, अगली बार ऐसे गर्मी दिखाएगा ना तो जेल के अंदर कर दूंगा। जो उसने किया गलत किया है, मैं समझाता हूँ उसको। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अच्छा जी, थैंक यू। दीदी ध्रुव सो गया क्या? हाँ सो गया। पापा थोड़ा खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। नहीं बेटा, मेरा जी नहीं कर रहा। हाँ पापा जी, अभी शान घर आ गया है ना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। शान ने खाया कुछ? वो मैं उसके रूम गई थी, सो गया है। बिना खाए सो गया बेचारा? कोई बेचारा नहीं है वो। क्या बुरा हुआ है उसके साथ? पता नहीं क्यों ऐसे बर्ताव कर रहा है। उसे नहीं खाना है तो नहीं खाए, जहाँ जाना है जाए। लेकिन मम्मी जी आप जानती है ना, वो गुस्से में था, उसे इतना बड़ा शौक लगा था। मैं किस बात का शौक लगा है किट्टू? कुछ जानता भी है वो? एक बात और वो भी अधूरी जानकर उसने ये इल्जाम कैसे लगा दिया हम पर? उसे पता भी है क्या क्या हुआ था, किन हालात में मैंने और जोर ने ये फैसले लिए थे, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे रहने दीजिए मैडम, हमने कौन सा एहसान किया उस पर? अब माँ बाप बच्चों के लिए करते ही हैं। तो फिर क्या उस बच्चे का ऐसा एटीट्यूड होगा, आपसे इस तरह बर्ताव करेगा? वो जानता तक नहीं कुछ और आपसे दुश्मनी करेगा, बात तक नहीं कर रहा है आपसे। नहीं जोर, मैं सब जानकर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो आप पर उंगली उठाए। आपने उसे बुरे हालत से, मुश्किल वक्त से बचा लिया, उसकी जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। क्या होता उसके साथ अगर आप नहीं होते तो? भी है ना मैडम, आप कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई? नहीं जोर, अगर इस लड़के ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो वो अपनी माँ को बैठेगा। अपनी माँ का प्यार पाने का कोई हक नहीं है उसे। अम्मा
कुछ आ रहा है बेटा, मुझे छोड़कर चला जाएगा? दो मिनट बैठना। हाँ बेटा, तेरा कहना सही है, गलती मेरी है, मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन क्या कहूं, वो सच कभी हमारे बीच में आया ही नहीं, मैं मान बैठा था कि सच तो बदल गया है, तू मेरा ही बेटा है, लेकिन सच बदलता नहीं, वो तेरा सच था, भले ही मेरा ना हो, लेकिन बताता तो कब बताता, जब मैंने पहली बार तुझे गोद में उठाया तो तू मासूम अन्हा सा फरिश्ता था, मैंने कस के तुझे अपने सीने से लगा लिया कि इस नन्ही सी जान को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा, और तू उतना ही छोटा मेरे दिल में बस गया। तो बड़ा हो गया तब भी मैं तुझे इस सच्चाई के सामने खड़ा नहीं कर पाया, डरता था कि कहीं टूट ना जाए। आई नो आई वॉज रॉन्ग, लेकिन तब मुझे ये नहीं लगता था। फिर जब 10th में तो 99% लेके पास हुआ तो मुझे लगा कि ये सही है, मैं एक बाप जीत गया, और उसके बाद जब भी तू पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था तो मैं तुझे डांटता था, बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि मैं इस बाप को हारने नहीं देना चाहता था। लेकिन ये भूल गया था, इस सच्चाई का सामना एक दिन तो करना ही पड़ेगा, और आज तेरा मन दुख से भर उठा, लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अरे तू मुझे अपना पापा न कह, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा मेरा बेटा रहा है और हमेशा रहेगा। और आज तू मुझे अपना पापा नहीं कहना चाहता, ये मेरी हार है। लेकिन बेटा मैं इस खुशफहमी रहा कि जब तुझे पता चलेगा तो दुनिया उसको कहेगी कि ये तेरे पापा नहीं है, तो तू सीना ठोक के कहेगा कि ये झूठ। मेरे पापा मैं हार गया बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
माफी मांगेंगे जोर? किस बात के लिए? सगे बाप से बढ़कर बाप का फर्ज निभाने के लिए, या फिर किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए? बोलिए सो। अरे आप नहीं, हारा तो ईशान है, क्योंकि ये आपको पापा नहीं कहना चाहता, इसने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैडम प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए। तुम्हें नहलाते थे, बीमार होने पर रात रात भर जागते थे, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे क्लब मेंबरशिप चाहिए, पापा मुझे फलाना चाहिए, पापा मुझे ढिकना चाहिए, जो मांगा वो दिया, जो दूसरों का हक था वो भी दिया, जो अपने सगे बेटे को भी नहीं दिया। मैडम चुप। चिता को अग्नि लगाने का भी हक तुझे दिया है ईशान। तेरा अपना सगा बाप शराब के नशे में तुझे पहचानता भी नहीं था, और ये जिन्हें तू पापा तक नहीं कहना चाहता, अपनी अंतिम यात्रा तेरे हाथों कराना चाहते हैं। तो इनका खून नहीं है? हाँ नहीं है तो कौन है तू? बता कौन है तू? मैडम ये सब कहने का क्या मतलब? जो कुछ मैंने किया अपनी खुशी से किया, उससे ईशान की नाराजगी गलत तो नहीं साबित होती? आपने नहीं बताया जो, मुझे तो पता है, मैं तो अनजान नहीं, इसके अपने सगे पापा ने इसे लटकर नहीं पूछा, पेट में था जब शराब के नशे में मारते थे मुझे। खो देती मैं तुम्हें, इतना टेंशन दिया मुझे प्रेगनेंसी में कि तुझे पता है तू समय के पहले पैदा हुआ है। उस पापा ने एक रुपया नहीं दिया कभी हाथ में, कभी हंसने नहीं दिया, कभी जीने नहीं दिया। सुनना चाहता है? सुन, उनकी शराब की लत इतनी बिगड़ी हुई थी कि एक रात उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ घर से निकाल दिया। इतना सा मेरी गोद में था तू, तब हमने फुटपाथ पे रात गुजारी है। मैं तुझे लेकर गाड़ी के नीचे जान देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त जोर ने आकर मेरा हाथ थामा।